ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਣਜਾਣਾ ਸ਼ਖਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਏਵਜ਼ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ। ਅੱਛਾ, नहीं, हम तो सिर्फ ये है कि भाई मास्क वास्क नहीं लगा रखा, सिर्फ यही बात पूछ रहे थे और कोई बात नहीं। चौबीस घंटे कैसे लगाए तो? आ गई ना वही बात, आ गई ना, आपके मुंह से आई है, हम ये आपके मुंह से ही सुनना चाह रहे थे। आम आदमी अगर ये बात बोलता है क्या पुलिस मानती है? नहीं मानती ना, नहीं मानती ना। चौबीस को छोड़िए, आप दो घंटे भी नहीं लगा सकते। इसमें सांस में जिन दिक्कत आती है ना दिक्कत है, तो ये फिर क्यों जबरदस्ती पुलिस कर रही है लोगों के साथ कि चालान काटना ये करना? चालान तो बंद कर रखे, कहाँ का रखे? ये लगे हुए बगल में, देखो जाके ये जाके देखो, मेरे लम दस जगह काट रहे चलान। मारा तो करना आप नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या अगर आम आदमी यही चीज बोलता है या आम आदमी कोई सिविलियन बुजुर्ग कोई ये चीज बोलता है? क्योंकि सांस की प्रॉब्लम देखो बुजुर्ग को होती होती है। देखो जैसे मैं हूँ, ये इसको नीचे उतार के ही बात करूंगा, फोन करूंगा तो करोगे ना बात है। लेकिन यही बात अगर मैं चलती गाड़ी में हूँ, मैं कह रहा हूँ तुरंत साइड लगाओ, 500 रुपये का चलान है, मतलब कि ये जो है ना ये आम आदमी के लिए है रूल, ये पुलिस के लिए नहीं है रूल। ये मकान जैसे आपने हमारे देखा, वो हमारे बुजुर्ग आदमी अपना पुराना ला रहा है, मैं जो है उससे बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। देखो है ना ये चीज़, देखो कैमरा आप भी लगा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन इसको जो है दो घंटे में भी आदमी को जो है एग्जैक्ट यही मैं बात आपके मुँह से सुनना चाह रहा था कि यही बात आम आदमी भी बोलते हैं कि बेटा जो पुलिस वालों से बुजुर्ग जो है बेटा नहीं लगता, कोई भी हो देखो सबके लिए ही है तो, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती बेचारों की, किसी के पास पैसा होता है किसी के पास नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन ये होते हैं हमारे लिए भी, जब आप पब्लिक में जाओगे तो मास्क लगा के जाओगे, लेकिन गाड़ी में मास्क लगा नहीं, नहीं, नहीं गाड़ी में चलान होता है, सिंगल आदमी का भी चलान कर रखा है। जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो मास्क लगाना तो कोई जरूरी नहीं है। अरे सर सिंगल का भी जरूरी है, आप क्या बात कर रहे हो, आप पुलिस में इतने सीनियर हो, मेरे ख्याल से 30-40 साल आपकी सर्विस होगी। 38 साल की होगी। हाँ तो वही है ना, 30-40 साल सर्विस होगी तो इतना तो आपको ज्यादा पता है हमारे से। हमारा जी काट देना कभी, चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके ठीक है, कभी आज तक वहाँ में नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ओके ओके। क्या नाम आपका? राजेश। राजेश ठीक है जी भाई साहब। तो अनु दस दईए कि ये वीडियो जिदे च पुलिस दे सिपाही खुद ये बोल रहे ने कि ये मास्क जिहड़ा पूरा दिन नहीं लगाउंदे ने, ते आप सोचण वाली गल है कि मास्क दा चलान सिर्फ जनता लई ही क्यों? कि जनता दा चलान कट्टण वाले पुलिस वालियां दा चलान नहीं होना चाहिदा? कि पुलिस वालियां दी वर्दी दी आड़ च आप मास्क ना लगा के इहो जिही रिश्वत मंगण वालियां दे लोकां दे चलान कट्टणा कि ठीक है? ते उस तों वड्डा सवाल कि इहो जिहे लोक जदों तक समाज विच बैठे ने जिन्हां दे हथ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ? ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਜਾਬ।